मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गए? अजीब हो, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। हेलो जी, आप एडवोकेट फायजा बात कर रही हैं? मैं लाइबा बात कर रही हूँ, लाइबा शबीर। मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। देखिए, ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, आप कल मेरे ऑफिस आ जाएगा, वहाँ बात हो जाएगी। नहीं, कल नहीं, मुझे आपसे आज ही मिलना है, बहुत सीरियस इशू है। मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त तो मैं घर जा रही हूँ, अभी आपसे बात नहीं हो सकती। कल तक तो बहुत देर हो जाएगी, प्लीज वकील साहब कुछ करें। देखिए, रात बहुत हो गई है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैडम, पता नहीं कल तक मैं जिंदा रहूं भी या नहीं। अगर आपकी जान को खतरा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करती? मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे पुलिस की नहीं, वकील की जरूरत। मुझे कल हर हाल में दरख्वास्त कोर्ट में जमा करवानी है। आप समझने की कोशिश करें, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अच्छा बताएं, आपकी लोकेशन क्या है? मैं वुमेन्स हॉस्टल, रूम नंबर 216 पर। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, आप गेट पे बता दीजिएगा। बाबा, ये लाइबा शबीर का कमरा किस तरफ है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या देख रहे हैं? मतलब आप फायजा? फायजा एडवोकेट जी, आप लाइबा है जी? लाइबा शबीर। I'm so sorry, मैंने आपको रात में डिस्टर्ब किया। आपने बात ही ऐसे की थी, अगर वो खुदा ना खास्ता सच हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। चले कमरे में चल के बात करते हैं। ओके। आइए वकील साहिबा। बैठिए प्लीज। जी अच्छा, ये बताइए, आप चाय लेंगी या कॉफी? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। आप मुझे अपना इशू बताइए, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मेरी अम्मी वेट कर रही होंगी घर पे। बल्कि मैं अपनी अम्मी को तो बताना भूल गई, एक मिनट इन्फॉर्म कर दूं उनको। जी हेलो। जी मम्मा। हाँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। जी जी, मैं ऑफिस से बाहर निकली हूँ। नहीं, मैं हुमायूं के साथ नहीं हूँ, एक क्लाइंट का अर्जेंट फ़ोन आ गया था, उसके पास बैठी हूँ। जी जी, आप खाना खा लीजिएगा, मेरा वेट मत कीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। चले, लाफेस। जी कहिए, आपका क्या मसला है? आपकी मम्मी अब भी खाने पर वेट करती हैं? जी, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती। शादी नहीं की आपने?
نہیں میں نے ابھی تک شادی نہیں کی, لیکن آپ مجھے چھوڑیے, آپ بتائیے کہ آپ نے اتنا ارجنٹلی مجھے رات گئے کیوں بلایا؟ بہت اچھا کیا, شادی کرنی بھی نہیں چاہیے, ورنہ میرے جیسا حال ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر والوں کے مخالف جا کے کزن فرحات سے شادی کی, اور اب وہی میری جان کا دشمن ہو گیا. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے تو آپ پولیس کو فون کریں, میں بدماشوں سے یا آپ کے شوہر سے تو آپ کو نہیں بچا سکتی. آپ کزن فرحات کو نہیں جانتی, پولیس اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنے گی. غزنفر حیات, یہ تو پولیٹیشن ہے نا, اور غالباً ابھی ایک منسٹر بھی ہے. صحیح پہچانا آپ نے, آپ ان کی بیوی ہیں, لیکن ان کی وائف کو تو میں جانتی ہوں, کافی مشہور ہیں, ایک این جی او بھی چلاتی ہیں. جی وہ اس کی پہلی خاندانی بیوی ہے, نہ جانے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں اس نے, دو کو تو میں بھی جانتی ہوں, اور اب میں. تو آپ طلاق لینا چاہتی ہیں؟ طلاق تو وہ مجھے دینے کو تیار ہے, مگر ایک لور اس نے میرے نام کیا تھا, اب وہ واپس مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ واپس دوں گی تبھی طلاق دے گا. کہ پلاٹ آپ کو گفٹ کیا تھا اس نے؟ نہیں گفٹ تو نہیں کیا تھا, آپ تو جانتی ہیں نا اس کے پاس کتنا کالا پیسہ, اپنی جائیدادیں دوسروں کے نام پہ ہی لیتے ہیں. تو جب آپ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو پلاٹ واپس کر دیں, کیا فائدہ رکھنے کا؟ وعدہ خلافی کیا اس نے, شادی سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بعد وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا, مگر مجھے پتا چلا ہے کہ دو مہینے پہلے اس نے کسی ماڈل لڑکی سے شادی کر رکھی ہے. میں نے پوچھا تو مجھے دھمکیاں دینے لگا, کہنے لگا کہ طلاق دے دے گا. میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے دے دو, مگر پھر بیچ میں یہ پلاٹ آ گیا, اب وہ یہ پلاٹ اپنی اس ماڈل بیوی کے نام کرنا چاہتا ہے. میں بھی گھر چھوڑ کے آ گئی, کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا, اب اسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں پہ ہوں, اور اس نے مجھے کل تک کا ٹائم دیا ہے, کل تک میں ٹرانسفر پیپر پہ سائن کر دوں. یہ پلاٹ کے کاغذات کس کے پاس ہیں؟ بینک کے لاکر میں. اور یہ پلاٹ ہے کہاں؟ سمندر کے پاس, 5,000 گز کا. واو کافی ایکسپینسو ہوگا. جی 40-45 کروڑ کی ملکیت ہے. اچھا تو اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ عدالت میں خلا کی درخواست دیتے, اور ساتھ میں مجھے پولیس پروٹیکشن بھی دلوا دیں, میری جان کو خطرہ ہے نا. ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں, آپ کل صبح کورٹ کے ریسٹورنٹ میں آ جائیں, وہیں ملاقات ہوتی ہے. نہیں سنیے میں نہیں آ سکتی. دیکھیے آپ کے آئے بغیر کام ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ کے دستخط کے بغیر میں کیس فائل نہیں کر سکتی, اور پھر مجھے نکاح نامہ کی کاپی بھی چاہیے ہوگی. آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں, میں آ تو جاؤں مگر مجھے ڈر لگتا ہے. دیکھیں اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کے شوہر نے آپ کو خود ہی کل تک کی مہلت تو دی ہے, کم از کم تب تک تو آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا, اور ویسے بھی ایک بار کیس فائل ہو گیا تو عدالت آپ کو خود ہی پروٹیکشن دے دے گی. ٹھیک ہے ایسا ہے تو میں آ جاؤں گی. اوکے ٹھیک ہے, تو پھر کل کورٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. پھر کل فیس وغیرہ کی بات بھی ہو جائے گی؟ جی جی اس کی آپ فکر نہ کریں, جیسا آپ کہیں گے جتنی بھی فیس ہوگی. ٹھیک ہے تھینک یو. ایک اور بات, آپ کو میرا نمبر کس نے دیا تھا؟ ہم کل مل رہے ہیں نا, کل بیٹھ کے ساری بات کر لیں گے. ٹھیک ہے ڈن, خدا حافظ.
हेलो, कोई दरवाजा खोल दे। हेलो बाबा, जरा दरवाजा खोल दीजिएगा। मैडम, आपको इन सारी बातों का इल्म है? नहीं, मैं तो आपके सामने ये सारी बातें सुन रही हूँ, और वैसे भी मैं 8 बजे घर चली जाती हूँ। वो जो लड़की आई थी, उसका नाम क्या था? सब मैडम लाइबा ने कहा था कि मैडम फायजा आएंगी तो गेट खोल देना। फायजा? हेलो, कोई दरवाजा खोल दे। हेलो बाबा, जरा दरवाजा खोल दीजिएगा। बाबा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, जरा दरवाजा खोल दें। कहाँ फंस गई? कुछ पता चला जमील? बड़ा सही है, डीट बंदा है, अब तक अपनी जबान नहीं खोलता। अपनी जबान खोलता है, तेरे शलवार में चूहे छोड़ो। सब मुझे आलम का पता होता, मैं रात को ही आपको बता देता। लाश, लाश कहाँ दबाई तूने? आलम अपने रिक्शे में लेके गया था। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? जमील? यस सर। इसकी मार्क मार्क के वो हालत कर दो कि पूरी जिंदगी ये सोच भी ना सके कुछ तरह का काम करने के लिए। बेगैरत इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? वो बच्ची तेरी बेटियों से भी छोटी थी, अपना मुंह काला करते हुए तुझे 1 मिनट का ख्याल नहीं आया? सब गलती होगी, शैतान ने बिगाड़ दिया था। शैतान? अरे शैतान तो तू खुद है। तो जैसे दरिंदे गली गली कूचो कूचो में पल रहे जानवर। सर, कुछ पता चला? जी सर, इस कमीने की दुकान से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नदी के पास से बच्ची की लाश मिल गई। लाश किसने देखी? एक जमींदार ने सर। सुबह वो कचरा फेंकने गया तो लाश कचरे के ढेर पे पड़ी थी। सोसाइटी तबाह करके रख दी तुम जैसे कुत्तों ने। ये इंटरनेट, ये गंदी गंदी फिल्में तुम जैसे जानवरों को जन्म देती हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है। सर, वो एक और केस भी है। क्या हुआ? वुमेन्स हॉस्टल से कॉल आई है, वहां किसी लड़की का मर्डर हो गया है। क्या? यस सर, कोई VIP केस लगता है। भैया, तुम पुलिस पार्टी तैयार करो। सर, जमील। जी सर। इसे पूरी रात लटका के रखना और इतना मारना कि ये सुबह अपने आप को ना पहचान सके, कोई माफी नहीं है इसको। यस सर। यस सर। सर, ऊपर। अस्सलामु अलैकुम, मैं इस हॉस्टल की ओनर जेबा ली, ये रूम। खोलो सर। कमरे में सबसे पहले कौन आया था? हमारी मासी ने। कहाँ है वो, बुलाएं सर? रशीदा, यहाँ। जुबा जी, ये है रशीदा। तो तुम आई थी सबसे पहले कमरे में? जी साहब जी, मैं सफाई के लिए अंदर आई, दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था।
मैंने फिर बाजी को आवाज लगाई मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर बाजी को बुलाया। आप लोगों ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं एसपी साहब, हमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैं आई तो इसी तरह पड़ी हुई थी। मैंने मौत की तस्दीक करने के लिए इसकी नफ्स चेक की थी। फिर मैं बाहर चली गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चौकीदार को खड़ा कर दिया। लेकिन कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तलाशी ली है उनकी। फयाज, फिंगरप्रिंट्स वाली टीम को बुला लो और एक एम्बुलेंस भी बुला लो। सर, इनके पास कोई मोबाइल था? जी मोबाइल था उनके पास और मेरे पास नंबर भी है। फयाज मोबाइल ढूंढो और सारी डिटेल्स मुझे बताओ। ओके सर। मैडम आपसे जरा मुझे कुछ बात करनी है। जी आइए। आइए, तुम यहीं बैठो। पता नहीं मेरे हॉस्टल में तो कभी छोटी मोटी वारदात भी नहीं हुई। ये कैसे हो गया, कब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या आप जानती थी कि ये लड़की मजनफर की बीवी है? नहीं मुझे नहीं पता था क्योंकि इसने अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम लिखवाया हुआ था। मुझे तो चंद दिन पहले ही पता चला कि गजनफर हयात की बीवी है। मैं तो तभी से बहुत परेशान हूँ। आपने गजनफर को इन्फॉर्म किया? नहीं, उनका कोई नंबर मेरे पास नहीं है और वैसे भी इस हादसे के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और तुम कब से हो तुम यहाँ? सब याद तो नहीं, जमाना हो गया। 10-12 साल हो गए हैं इसे यहाँ। तुम कहाँ थे कल? सब ड्यूटी पर, गेट पे। इसका मतलब है कि तुमने कातिल को आते जाते तो देखा होगा। कातिल का तो पता नहीं साहब, हाल बता एक लड़की आई थी। लड़की? कौन लड़की, क्या नाम था उसका, कितने बजे आई थी? साहब बहुत देर को आई थी, बहुत रात हो गई थी। वो लड़की अकेली आई थी कोई और भी था साथ? जी साहब अकेली थी, बड़ी सी गाड़ी में। कितनी देर रुकी है? साहब ये कुछ घंटा डेढ़ घंटा। मैडम आपको इन सारी बातों का इल्म है? नहीं मैं तो आपके सामने ये सारी बातें सुन रही हूँ और वैसे भी मैं 8 बजे घर चली जाती हूँ। वो जो लड़की आई थी उसका नाम क्या था? सब मैडम लाइबा ने कहा था कि मैडम फायजा आएंगी तो गेट खोल देना। फायजा? सर कमरा चेक कर लिया, लगता है वाकई को डकैती का रंग देने के लिए बिलावज सामान बिखेरा गया। सर मक्तूला का मोबाइल मिला तुम्हें? अब तक तो नहीं मिला सर, लेकिन एक दफा लाश हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे। जो लड़की आई थी उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था तुमने? नहीं साहब लिखा तो नहीं, हाल बता देखा था। थाने चलकर तुम्हें सब याद आ जाएगा। मगर क्यों साहब, मैंने क्या किया? फयाज सर इसे और क्या नाम बताया आपने मासी का? रशीदा। रशीदा, इन दोनों को ले चलो थाने। मैडम मैं आपके पास तफसीली बयान के लिए आऊंगा। फिंगरप्रिंट्स की डिटेल लेकर कमरा सील कर देना और मैडम से मक्तूला का मोबाइल नंबर ले लो, उसकी डिटेल्स निकलवाओ। इट्स अर्जेंट सर। थैंक यू मैडम, ले चलो सर। चलो आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ देख लिया प्लाट। हाँ 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 बड़ी आइडियल लोकेशन है। वो 3-4 रोडें इधर उधर से निकलती हैं, सीएनजी के लिए तो बेहतरीन जगह है। हाँ वो नहीं नहीं परमिट का मसला नहीं है, वो रबानी साहब के पास 2-3 परमिट पड़े हैं। हाँ हाँ वो सोने की कान है, सोने की। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं कल तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कल नहीं मिल सकते, परसों का रख ले। अभी तो फिलहाल मेरे पास मशहूर और मारूफ एएसपी हुमायूं साहब बैठे हुए हैं। हाँ 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 चल ठीक है फिर, चल अस्सलाम वालेकुम। अपना एएसपी साहब माफ कीजिएगा एसपी साहब,
पार्टनर का फोन था, और जब पार्टनर मिनिस्टर हो तो फिर उसका फोन ऐसे तो नहीं काट सकते ना। मुझे अंदाजा है सर। आप अचानक आ गए, अगर बता के आते तो कुछ खिदमत वगैरह आपकी करते। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी और दिन हाजिर होऊंगा। फिलहाल तो एक सीरियस इशू के सिलसिले में आपके पास आया था। क्यों जी, खैर है ना? अजंत साहब, लाइबा शब्बीर आपकी वाइफ थी? हाँ जी। क्या हुआ है, कोई शिकायत की है उसने? वो अब कोई भी शिकायत करने की पोजीशन में रही नहीं। एक्चुअली आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है। हेलो। हाँ फयाज। सर, मक्तूल लाइबा के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसने मरने से पहले आखिरी बार मुलाकात और बात मैडम फायजा से की है। क्या? अजंत साहब, लाइबा शब्बीर आपकी वाइफ थी? हाँ जी। क्या हुआ है, कोई शिकायत की है उसने? वो अब कोई भी शिकायत करने की पोजीशन में रही नहीं। एक्चुअली आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं एसपी साहब? जी गजनपुर साहब, मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको ये बात बतानी पड़ रही है। गालिबन वो आपसे नाराज होकर आपसे अलग रह रही थी। ओ हाँ जी, लेकिन वो ऐसी छोटी सी बात थी, मतलब हमारा तो राजीनामा होने वाला था। तो फिर सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से आपकी बेगम एक मामूली से वुमेन हॉस्टल में रूपोशी की जिंदगी क्यों गुजार रही थी? देखें जी एसपी साहब, मुझे नहीं पता उसका किसके साथ क्या मामला था। मुझे तो उसकी दो तीन आदतें पसंद नहीं थी। मैंने उसको रोक टोक किया तो वो एक दिन घर छोड़ के चली गई, फोन भी बंद कर दिया था उसने अपना। अभी मुझे दो 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 दिन पहले पता चला जी कि वो किसी हॉस्टल में रह रही थी। मैंने उसको कहा था घर आ जाओ, वो हमारी मुलाकात थी जी आज। लाश हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया हॉस्पिटल। रजनपुर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ ताबूर करेंगे। हाँ जी, वो मेरी बीवी थी जी, अगर नाराज थी तो क्या हुआ जी, उसके कातिलों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। जरूर। रजनपुर साहब, अभी चलता हूँ, आपसे कुछ मजीद मालूमात के लिए आपको एक बार फिर जानकारी दूंगा। जी क्यों नहीं जी, आपको जब मेरी जरूरत होगी जी। Let's go. हेलो। हाँ जी जमील साहब। वो जी मैं कल पार्टी मीटिंग के लिए नहीं आ सकूंगा जी। हाँ जी, एक मसला है जी, वो मेरी बीवी थी ना जी, लाइबा। हाँ जी, उसका मर्डर कर दिया किसी ने जी। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ फयाज। सर, मक्तूल लाइबा के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसने मरने से पहले आखिरी बार मुलाकात और बात मैडम फायजा से की। क्या क्या बात कर रहे हो, मतलब अपनी फायजा एडवोकेट? यस सर। व्हाट, वो वहां क्या कर रही थी?
एनीवे तुम्हें काम ये करो कि इज्जत से जाके उन्हें थाने ले आओ। अरे सर मैं कैसे कर सकता हूँ अगर आप एक कॉल कर दें तो। अच्छा मैं बात करता हूँ उससे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर वो तो कल तक ही आएगी। ओके आई टॉक टू यू लेटर। हेलो। हाँ हेलो फायजा कहाँ? देखे ये मेरे काम का वक्त है, आपकी तरह फारिग नहीं होती मैं। जी जी पता है मुझे। अब तो ना जाने रातों को कहाँ कहाँ चली जाती हूँ मिलने लोगों से। एक्सक्यूज मी, आप जरा सोच समझ के बात किया करें। आप जानते हैं ना कि मैं अभी अपने वालिद साहब के घर पे हूँ। जब तुम सोचे समझे बगैर कहीं भी पहुँचोगी तो बोलना पड़ेगा। कहाँ चली गई मैं? रात को वो मैंने हॉस्टल में गजनफर हयात की चौथी या पांचवी बीवी लाइबा शबीर से मिलने क्यों गई थी? मेरी मर्जी। वैसे वो मेरी बचपन की सहेली है, हम लोग सात पल के जवान हुए, बहुत अच्छी लेडी है। है नहीं, थी फायजा। रात को उसका मर्डर हो गया। क्या? देखिए हुमायूं, इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी के मर्डर के बारे में मैं मजाक नहीं करता, उसका वाकई मर्डर हो गया। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। तुम ऑफिस से फ्री होकर थाने आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन आज रात मुमकिन नहीं होगा, आज अम्मी ने दावत थ्रो की हुई है घर पे। सॉरी फायजा, तुम्हें लाजमी आना होगा थाने। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मोबाइल भिजवा के अभी तक बुला चुका होता। तुम्हारी पोजीशन इस केस में ठीक नहीं है। व्हाट? मैं थाने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो हुमायूं, हेलो। उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था। वो कह रही थी अगर मैं उसके पास नहीं पहुंची तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा या ब्रेन हेमरेज। बस मजबूरन मुझे जाना पड़ा। वो शायद नहीं जानती थी कि वो सुबह तक मर जाएगी। इस बात का तो मुझे भी नहीं पता था। बस इंसानी हमदर्दी के नाते चली गई मैं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह किसी भी स्ट्रेंजर के कॉल पर उठकर बेधड़क नहीं चला जाना चाहिए। It can be dangerous. मायू मैं पागल नहीं हूँ। उसने मुझे किसी मशकूक जगह, मतलब अपने घर पे या होटल में नहीं बुलाया था, विमेंस हॉस्टल में बुलाया था। पब्लिक प्लेस है और वैसे भी मेरे रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी ये नेकी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। तुम्हें पता है कि वहां पर एक चौकीदार था जिसने तुम्हें आते जाते देखा है? क्या कहा उसने? उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तुम लाइबा से मिलने गई थी। लाइबा ने तुम्हारे बारे में पहले ही जिक्र कर दिया था। जब लाइबा बाहर आई है तो वो कहता है कि वो नर्वस थी, परेशान सी लग रही थी। उसके बाद तुम दोनों कमरे के अंदर गए हो, डेढ़ दो घंटे तुमने वहां गुजारे हैं, और जब तुम बाहर आ रही थी तो तुम भी परेशान लग रही थी। तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारी गाड़ी का नंबर भी अपनी रिपोर्ट में लिखा? और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? उस मशकूक बुड्ढे से तो मुझे डर लग रहा था जिस तरह से वो मुझे घूर रहा था। गेट तो ऐसे खोला था जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। फैसला जैसा भी था, जो भी था, उसके स्टेटमेंट की एक वैल्यू है और ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। What am I supposed to do? तुम कहना क्या चाह रहे हो? फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि वो चौकीदार तुम्हारी शिनाख्त कर ले। फैसला तुम्हारी पोजीशन इस केस में अच्छी नहीं है। गजनफर साहब को भी पता चल गया है कि तुम वो आखिरी शख्स थी जो उस कमरे से निकली थी। I'm sorry, right? I have to do this. फयाज ले आओ उसे। चलो सर, ये वो चौकीदार। गौर से देखकर बताओ, यही वो खातून है जो उस दिन मकतूला के कमरे से निकली थी? जी सर, यही है, इन्होंने कत्ल किया उसको। पचास फीट की दूरी से तुमने मुझे पहचान लिया था? साहब यही है, मैं कह रहा हूं ना, मैंने इन्हीं को देखा था बस। ओ प्लीज, इसका मेडिकल चेकअप कराएं। नशा ही लगता है, मुझे लगता है उस दिन भी बदहवास था। हमें जो कुछ करना होगा हम खुद कर लेंगे फायजा, प्लीज कोऑपरेट विद अस।
फिलहाल तो तुम घर फोन कर दो, मुझे लगता है कि शायद आज रात तुम थाने में गुजारो। तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, वो भी इसके कहने पे? फायजा, तुम कानून को मुझसे बेहतर तरीके से जानती हो। एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है एसपी साहब, कानून मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। किसी भी ठोस गवाह के बगैर आप मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, और इस वक्त किसी की भी शख्सी जमानत पर मैं रिहा हो सकती हूँ। फयाज, आप मेरी जमानत देने के लिए तैयार हैं? जी, क्यों नहीं? What? फयाज, ले जाओ सर, ले जाओ सर, चलो चलो। थैंक यू फयाज साहब।